लोग बोलते हैं कि मैं लोगों के लिए सब कुछ करता हूं या करती हूं, मगर मेरे खुद के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। लोग इतर लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए समय देते हैं, मगर खुद के लिए समय देते नहीं है। खुद की बैटरी चार्ज करो। सुबह उठने से हिप्नोथेरेपी करो, मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन करो और अपनी बैटरी चार्ज कर लो। और यदि अपनी बैटरी चार्ज हो गई तो अपने पास में बहुत टाइम रहेगा। और चार्ज करना मतलब क्या करना? चार्ज करना मतलब पीछे का जो भी कुछ है, पास का जो भी कुछ है, जो भी पास का कलर कर रहा है अपने प्रेजेंट को, उसको निकाल देना। क्या होता है कि हम घर से ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने के बाद में वहां काम करते हैं, काम करते करते गलतियां होती है, बॉस कुछ कुछ सुनाता है, अपना कलीग अपने को सुनाता है कि आपका ख्याल नहीं है, आप काम बहुत स्लो स्लो कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? क्योंकि हमने जो भी घर की बात हो गई थी, घर में जो भी तकलीफें थी, घर में जो भी टेंशन था, वो हमने ऑफिस में लेके आए, दिमाग में बैकग्राउंड में वही चल रहा है। जब दिमाग में बैकग्राउंड में वो साउंड चल रहा है, वो नॉइज चल रही है, वो आवाज़ आ रही है, तो मैं प्रेजेंट टू द प्रेजेंट नहीं हूँ, क्योंकि वो बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो मेरे प्रेजेंट को कलर कर रहा है। अब जब मेरे पास में, मैं बोलता हूँ टाइम नहीं है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं स्पीड से काम नहीं कर रहा हूँ। यदि मेरा बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो मेरा अभी प्रेजेंट कलर कर रहा है, तो मेरा स्पीड कम हो रहा है और फिर एक ही काम करने के लिए मुझे ज़्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि सिचुएशन में जो भी कुछ हुआ, घर में जो भी कुछ हुआ, वातावरण में जो भी कुछ हुआ, वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका कलरिंग हुआ है, वो आवाज़ मेरी बैकग्राउंड में चल रही है और वो आवाज़ मुझे सताती है, पीछे से मेरा टाइम लेती है, मेरी एनर्जी लेती है। एक्चुअली मेरा टाइम मुझे कम है, ऐसा बोलने की वजह आप बोल सकते कि मुझे एनर्जी नहीं है, मेरे पास में उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि एनर्जी सक किया हुआ है पास्ट में। हम प्रेजेंट टू द प्रेजेंट नहीं है। हम तो बोलते कि मेरा बच्चा फेल हो गया तो मुझे दुख तो होना ही था, मेरे बॉस ने मेरे ऊपर गुस्सा किया तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, मुझे तो बुरा लगना ही था, उसने ऐसा किया मुझे तो गुस्सा आना ही था। मतलब क्या है कि जो भी कुछ वातावरण में हुआ है उसका असर मेरे ऊपर हो रहा है, मेरे मनस्थिति के ऊपर हो रहा है, और जैसी परिस्थिति है वैसी मेरी मनस्थिति होती जाती है। हालांकि परिस्थिति के ऊपर यदि मनस्थिति बनते जाएंगी तो फिर तो मैं कहाँ हूँ, मैं तो है ही नहीं, मैं तो फिर परिस्थिति का, सिचुएशन का एक गुलाम हूँ। परिस्थिति मुझे कंट्रोल कर रही है, परिस्थिति बता रही है कि मैंने कैसा रहना चाहिए, कैसा फील करना चाहिए, वही तो हो रहा है। मेरे पूरे दिन में सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन होते जा रहे हैं, सिचुएशन बदलते जा रही है, लोग बदलते जा रही है, और फिर वो मुझा वो मेरा लाइफ कलर कर रहा है। मेरी मनस्थिति यदि परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड है तो फिर क्या होगा? इसका मतलब यह है कि मेरा खुश होना नहीं होना परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है। यदि परिस्थिति अच्छी है, परिस्थिति में सब कुछ मेरा मन जैसा चलता रहा तो मैं खुश हो जाऊंगा, परिस्थिति ठीक नहीं है तो मैं दुखी होऊंगा, ऐसे उसका मतलब हुआ ना। और परिस्थिति कभी भी मैं जैसा बोलता हूँ वैसे होने वाली नहीं है। हम बोलते हैं लाइफ हमें कैसी ऑकर होती है, लाइफ ऑकर होती है हमें अनसर्टन, लाइफ ऑकर होती है भयावह, कुछ तो भी हो जाएगा ऐसा हमको डर लगता है, कुछ तो भी मेरे खिलाफ हो जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा, कोई लोग मुझे कुछ बोलेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ चालू रहता है कि सिचुएशन में वो होता ही रहता है। और मुझे लगता है कि लाइफ बहुत अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है, किसने सोचा था कोरोना आ जाएगा, आ गया। फिर हमको डर लगता है और हमारा डर पूरा परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है। तो अभी आज से हमने ये करना है कि परिस्थिति मुझे कंट्रोल नहीं करेंगी, मनस्थिति जो मेरी है वो परिस्थिति कैसी भी हो मेरी मनस्थिति मैं कंट्रोल करूँगा। देखिए ना, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी सिचुएशन सेम आती है मगर लोगों ने उसको अलग अलग तरह से रिएक्ट किया हुआ है। कोरोना सबके जीवन में एक जैसा आ गया, सबको कोरोना की परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तो कुछ लोग उसमें भिखारी हो गए तो कुछ लोग करोड़पति हो गए, परिस्थिति एक ही थी कोरोना की। तो हमको परिस्थिति के ऊपर डिपेंड न रहते हुए, पास को हमारा जीवन कलर नहीं करने देते हुए, हमको प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहना है और हमेशा खुश पीसफुल शांत रहना है। हमारा ऐप है, मेरा डॉक्टर केड़कर नाम का, आप ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप चैटिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।